So when it comes to distribution of mutual funds, today mutual fund companies are heavily dependent on the fintech's model of distribution. Now, if you see, mutual fund as an industry is still evolving, given that SEBI and AMFI keep coming up with new regulations. And because of that, my question is, how is fintech adapting to this constant change by the AMFI when it comes to MF distribution model? Kisse ye sawal aapka? हम म्यूचुअल फंड में ही काम करते हैं तो आई टेक दैट हेमाली. तो देखिए 1993 से 2003 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM हुआ 10 लाख करोड़. 21 साल लगे करीब 20 साल 21 साल 2003 से आज जब हम बैठे हैं तो इंडस्ट्री का AUM है 40 लाख करोड़. और इसमें से जो 20 लाख करोड़ है वो पिछले 5-7 सालों के अंदर में जुड़े हैं. तो आप जब देखेंगे जो डिजिटल भारत की जर्नी है 2015-16 के बाद की जो जर्नी है, जब से आपका ये पूरा पेमेंट सिस्टम और सारा एवोल्यूशन हुआ, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आए वो सब 2017 के बाद आए हैं, राइट. और SEBI की रेगुलेशंस भी 2017 के बाद में काफ़ी ओपन हुई हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर. तो जो इंक्लूजन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेकर आए हैं इस इंडस्ट्री में, वो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बून साबित हुआ है. जितना अवेयरनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने जिस कदर मार्केटिंग की है, जिस कदर से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शोर किया है मार्केट्स में, जाकर जगह जगह आप जाइए, आपको जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एड्स दिखेंगे. चाहे आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल खोल लीजिए, आपको नीचे एक डिजिटल वेल्थ प्लेयर का ऐड दिख जाएगा वहाँ पर, राइट. तो ये जो अवेयरनेस आई है ये पूरा इन्हीं नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से आई है. SEBI ने एक अच्छी बात ये की है कि इन सबको छूट दी है पूरी तरह से ऑपरेट करने की. हालांकि रेगुलेशंस में आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजरी रेगुलेशंस में अभी भी काफ़ी जगह कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, ग्रे मैटर्स हैं. उसको लेकर SEBI का एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आया हुआ है जो कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होगा EOP प्लेटफॉर्म्स को लेकर, यानी एग्जीक्यूशन ऑनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर. तो वो रेगुलेशन जैसे ही आता है, मुझे लगता है अगले 3 महीने की बात है वो, उसके आने के बाद ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये और ज़्यादा खुल जाएगा और जितने भी डिजिटल ऑनलाइन प्लेयर्स हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें पूरी तरह से पूरी छूट के साथ में ऑपरेट करने की और ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी और थोड़ा सा शायद पैसा बनाने की सहूलियत भी. थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा.